हम लिख दें, पर बोलना नहीं बहन, हमें आफत हो जाएगी, हम लपड़ा में फंसना नहीं चाहते, मिलना नहीं है, चूंकि वो बहुत सातिर है। ऐसा कर्तव्य करना है और निश्चित है कि उससे तुम तीन गुना ले पाओगे, खुश रहो और खूब भक्ति बनी रहेगी। साधु जी कभी नहीं डरना है, बिल्कुल। अच्छा क्या ये कन्फर्म है? ये वाला नहीं है, ये वाला है। माइक से बोलो, नाम ना लेना ना रिश्ता बताना, क्या ये सत्य? जी गुरुदेव, मेरे घर का ही है ये, मेरे घर का ही है। हम लोग इस पे डाउट कम कर रहे थे लेकिन मैं पति को भी ना बताइयो, और हमने ऐसा काट दो के जो पढ़ भी नहीं कूद सका था। साधु जी, साधु जी। अच्छा काटने के बाद, पर्चा को काटने के बाद एक और है, उल्टे तरफ से पढ़ लिया जा सकता है, तो दोनों तरफ काट रहे, पर्चा हो सके तो मत दिखाना जी गुरुदेव, नहीं चूंकि मिलना नहीं है, और वो बहुत सातिर और इतनी भावुक बनती, रोने लगती जी गुरुदेव, और उस दिन के बाद वो बुरा भी बहुत माने हैं और बहुत क्लेश भी मचाते हैं, और जाओ इतनी आर्थिक उन्नति होगी कि इसका तिबल तुम ले पाओगे, और एक सामान किसी शादी में उनके आधा तो उन्होंने बेच दिया, एक सामान वो पहने हुए पकड़ी भी जाएंगी, फिर खुलासा कर सकते, क्योंकि हमारा हाथ भरना है, अब हमारा मतलब ये है। जाओ आशीर्वाद। आया है जरूरी नहीं, और जाओ तुम्हारी भक्ति बढ़े, खुश रहो। देखो हमारा नाम ना बताइए, भगवती हम मर जाए भी हमने बंद कर दो बताओ, क्योंकि जो पुलिस को काम आए कौन हम आवाए, हम तो उस समस्या का समाधान देने बैठे हैं जो जो असंभव है। जय चल, खुश रहो, दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। अब जो कहते थे कि अंधविश्वास है, पाखंड है, झूठ है, तुम्हारी ठटरी, हमें ऐसे ही जिंदगी भर बार अतराने, जब तक जीने तब तक। और हिंदुओं के लिए ये गौरव का विषय है कि वर्तमान युग में, विज्ञान के जमाने में, बागेश्वर हनुमान जी की ऐसी भी कृपा है जहां विज्ञान और बुद्धि दोनों नतमस्तक हैं, वरना ये कैसे हो रहा? हम दोनों जानते नहीं, जिसको ज्यादा दिक्कत हो बहन जी पकड़ो उनसे पूछो ये कैसे हो रहा, लगाओ बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, और हम नहीं जानते, ना कोई दावा है ना कोई हमारे पास चमत्कार है, ये भी सुनो, लेकिन कुछ ना कुछ तो अब वागेश्वर बालाजी हैं।